तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30, 3:30। और आज 11th of January है एंड पॉलिटी का टेस्ट है, तो अभी मैं बैठ के पॉलिटी रिवाइज कर रही हूँ। ओके, तो आज फाइनल डे है, आज 11th of January है। जैसा कि मैंने अभी अभी आईपैड में दिखाया और मॉर्निंग के 3:30 हो रहे हैं, और पॉलिटी आज फाइनल रिवाइज करना है और शाम को टेस्ट देने जाना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन दिनों मतलब मैं रात भर जग के पढ़ रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास में है और बहुत ज़्यादा सिलेबस है उन्होंने, एंड बहुत टेंशन भी हो रखी है। तो अभी बैठ के पॉलिटी पूरा रिवाइज करेंगे, एंड मतलब मुझे लग रहा है रिवाइज करते करते मॉर्निंग हो जाएगी, आई थिंक 7-8 बज जाएंगे। और फिर मैं उसके बाद सोऊंगी, फिर उठूंगी, उसके बाद आई टेक शाम गो फॉर द टेस्ट, हम शाम को टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक बार तो सारे सब्जेक्ट पहले से रिवाइज कर रखे थे, लेकिन आज ही एग्जाम है, इस वजह से एक बार सारा चीज़ रिवाइज करना होगा। तो मैं लक्ष्मीकांत से नहीं रिवाइज कर रही हूँ, मेरे पास एक लक्ष्मीकांत की जो पहले वाली पुरानी नोट्स थी वो रखा है अपने पास में, और विजन आईएएस में एक आता है क्विक रिविजन मॉड्यूल, तो उसमें बैठ के मैं आईपैड में ही सारे सारे जो टॉपिक हैं सबको अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ। और एक उसमें डायरी में मैंने ऐसे लिख लिया है कि मेरे को ये रिविजन करना है, और जो जो चीज़ें हो जा रही है उस पर मैं एक टिक लगा दे रही हूँ, और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको मैं अपने स्टिकी नोट्स में लिख ले रही हूँ। तो मैंने एक बुक ऑर्डर करी थी, ये है ओसवाल बुक की पावर बैंक विद 1000+ MCQs। तो मैंने लोगों को बात करते हुए सुना ओसवाल बुक बहुत अच्छी है, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं इसको खुद मंगाऊँ और देखूँ कि ये कैसी है। तो मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये आ गई है। तो ये स्टेट पीसेस और UPSC एग्जाम के लिए बेसिकली है, इसमें 1000+ MCQs हैं, तो इसको देखते हैं कि ये एक्चुअल में कैसी है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि इस बुक के क्या फ़ायदे हैं। तो ये पावर बैंक कंप्लीट कवरेज है सभी NCERT बुक के लेटेस्ट एडिशन का, एंड ये पावर बैंक यूजफुल रहेगा UPSC, स्टेट PCS और अदर सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के। और इस पावर बैंक में चैप्टर वाइज समरी है हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जैसे कि मैं कंटेंट पेज पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। बुक में आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन है, फिर भी कुछ स्टार्ट हो जाती है फ्लैश फैक्ट के साथ। और ये पावर बैंक कवर करती है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की समरी एक पास आपको दी गई है, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर की समरी के साथ साथ उस चैप्टर के लास्ट में MCQs दिए गए हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल के, जैसे कि मॉडरेट लेवल जो कि PCS और अदर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एडवांस लेवल MCQs भी हैं जो कि UPSC में पूछे जाते हैं, और भी सारे स्टेट PCS और UPSC और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के जो PYQs हैं वो सब भी दिए गए हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी। गांधी इरविन पैक्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सारे टॉपिक्स को, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक माइंड मैप दिया गया है जो कि ये चैप्टर 1 स्टार्ट होने के बाद है, जो कि इसी एक पेज में सारी की सारी हिस्ट्री को कवर कर दिया गया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को। उसके बाद MCQs स्टार्ट किए गए हैं, एज यू कैन सी हियर, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाती हूँ। तो सब कुछ एकदम अच्छे से माइंड मैप के थ्रू सारी पॉइंट्स को एलैबोरेट करके दिया गया है, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ब्रिटिश पावर इन इंडिया, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट। तो सारी चीज़ें एक ही पेज में दी गई हैं, उसके बाद सारे MCQs हैं, और उसके जो आंसर्स हैं वो भी बहुत इलाबोरेट फॉर्म में हैं। तो अगर आपको भी ये बुक खरीदनी है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये बुक बहुत अच्छी है, और लिंक मैंने इसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, इसको खरीदिए और पढ़िए, ये बुक बहुत अच्छी है।
तो ये उस वाली बुक की पावर बैंक है, और अगर आपका PCS या फिर UPSC का एग्जाम है तो जाइए और जाके खरीदिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सुबह के 6 बज रहे हैं, बट बाहर अभी एकदम अंधेरा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो गर्मी में 4 बार बजने वाले टाइम पे नहीं होता है ऐसा। बट 6:12 मैंने इतना कुछ रिवाइज किया जो बीशरी मतलब सब कुछ हो गया है। एक बार फंडामेंटल राइट्स एंड प्रीएम्बल रिवाइज करना है, बट वो आई डोंट थिंक अब मुझसे होगा, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने, और अब मैं उठूँगी 12 बजे 6 घंटे सोने के बाद। तो फिर देख के लग रहा है 6:45 हो रहा है, बट ध्यान से देखना 6:15 हो रहा है, बता रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, बाय। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द टेस्ट एंड यू कैन सी द हालत ऑफ माई रूम। एंड मैंने रास्ते में ये लिया कभी खाने के लिए, एंड कुछ वेजिटेबल्स भी लिए, मटर धनिया वगैरह, सो दैट मैं उसका कुछ बना के खा सकूँ। एंड अभी मैं टेस्ट देखे आ गई हूँ। आई एम सॉरी मैंने बीच का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे थोड़ा लेट हो गया था, और उठते ही मुझे कुछ 2 टॉपिक मेरा बाकी था, उसको रिवाइज करना था, तैयार होना था, जाना था, मतलब बहुत ज़्यादा काम था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट आई थिंक इट्स ओके, है ना, इतना काम मैं कर रही हूँ इसके लिए थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो चलता है। और बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी है बाहर, और कल मैंने बालों में अपने ऑयलिंग भी किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो मैं एवी फिर उठी और अपना कपड़ा पहनी और कुछ बनाया खाया, उसके बाद मैं निकल गई टेस्ट देने के लिए। और अभी आई हूँ, और मैंने जब मैच कर रही थी तो मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया है। तो अभी हम थोड़ी देर में चेंज करती हूँ और कुछ खाती हूँ, फिर हम मैच कराएंगे, और मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन उसके पहले आई हैव टू चेंज बिकॉज यू नो बाय। तो मैंने चेंज कर लिया है और मैं इस चेयर पे आके बैठ गई हूँ। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और खाना भी बनाना है, मुझे भूख भी लगी है, मेरे को खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं खाना ऑर्डर करूँ, और वीडियो बनाने का मन नहीं है, लेकिन वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि इसी से पैसे मिलेंगे तब मैं खाना ऑर्डर कर सकती हूँ या फिर रूम रेंट दे सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ, तो इस वजह से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और यार जिस दिन टेस्ट रहता है ना उस दिन मोस्ट ऑफ द टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जाओ टेस्ट दो और फिर वापस आओ, अब उसको मैच कराओ, और यू नो मेरे को हेडेक भी होने लग जाती है। बट कोई बात नहीं, अब हम करेंगे, यही यही जिंदगी है। अच्छा, और एक बात, मैंने ना पिछला एक वीडियो डाला था और वो रिकमेंड ही नहीं किया, तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो उस पर व्यूज ही नहीं गए, बट कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ कहनी थी यार, जनवरी भी कितनी जल्दी बीत गई ना, 11 दिन बीत गए इस साल में, कैसा चल रहा है साल, कमेंट करके बताओ मेरे को, थोड़ी बहुत गपशप करें कमेंट में कि क्या चल रहा है। तो पहले ये जो बना है ना इसको हम मैं सही कर देती हूँ, थोड़ा सा अपना बेड वेड सही कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाती हूँ और फिर उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। तो अभी मैंने आईपैड में खोल लिया था एक वेब सीरीज जिसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन, तो मैं वो देख रही थी एंड ये पॉपकॉर्न खा रही थी, एंड इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, और खाना बनाने के बाद आंसर शीट थोड़ा सा देखूंगी, क्वेश्चन एनालाइज करूंगी, और थोड़ा सा ही इसमें डालूंगी क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आगे इस पेपर का एनालिसिस हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस दैट। तो चलिए हम चलते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग जाके खरीदना, पढ़ना, और पढ़ के मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि कितनी